रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए कुलदीप यादव की। यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अपूर्व दुबे की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई। इस अवसर पर जनपद में घटित हो रही दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को कर्तव्यों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने के आदेश दिए गए। अगली खबर देखिए कुलदीप यादव की उन्नाव से। अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। हत्या की आशंका पर डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा श्रीराम भक्त कार सेवक सम्मान यात्रा मित्तल सत्संग भवन में पहुंची। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि राम भक्त कार सेवकों की वजह से ही आज श्री राम का मंदिर बन सका है। अब हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। निश्चित ही सनातनियों की ही विजय होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए योगिनी पीठाधीश्वर आचार्य अवध सरकार गोवर्धन ने कहा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य और दिव्य बनेगा। इसके लिए ईदगाह का हटना काफी आवश्यक है। आज फरे में हमारी कार सेवक सम्मान यात्रा यहाँ आई हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और फरे में जितने भी हमारे श्री राम मंदिर के आज़ाद कराने में 6 दिसंबर को जिन कार सेवकों ने संघर्ष किया था, पुलिस उत्पीड़न सहा था, पुलिस की लाठियाँ सही थी, उन सभी कार सेवकों का आज हमने यहाँ सम्मान किया है। जितने भी कार सेवक हैं उन्होंने अपने 6 दिसंबर को वहाँ जा कर के और मस्जिद को ढाने में जो अहम योगदान दिया था वो हमारे कार सेवक सभी हरे में हैं और उनका सम्मान किया गया है। हम लोगों का मिशन है कि सभी ब्लॉकों में, विधानसभाओं में, गांव-गांव जाकर जहां भी राम भक्त कार सेवक मिलेंगे उनका सम्मान किया जाएगा। हमारे पदाधिकारी श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के यहाँ मौजूद हैं और सभी ने उनका दुपट्टा शॉल उड़ाकर तस्वीर देकर उनका सम्मान किया है। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि जिन्होंने असली संघर्ष किया था भगवान श्री राम मंदिर के लिए आज हमें उनका सम्मान करने का मौका मिल रहा है और आने वाले समय में हम उनका सम्मान करते रहेंगे। वो हमारे लिए अतुलनीय हैं, हमारे लिए मूल्यवान हैं, पूजनीय हैं, इनका सम्मान बहुत ही जरूरी है। अगली खबर देखिए आलोक तिवारी की। अमर सिंह नील ठाकुर नाम के व्यक्ति को अज्ञात ने मारी गोली। लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में जिलाधिकारी नेहा शर्मा को ज्ञापन सौंपा। आगे की प्रमुख खबरें देखें। रेहान अंसारी की मुरादाबाद। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और सांसद कल्याण बैनर्जी का पुतला फूंका। कहा सांसद कल्याण बैनर्जी उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे और राहुल गांधी खड़े होकर हाथ में फोन लेकर वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन इस घटना से राहुल गांधी की क्या मानसिकता है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे छोटे तबके से उठकर कोई किसान का बेटा अगर आज उपराष्ट्रपति के पद पर है और उसके खिलाफ ये नहीं बर्दाश्त करते तो हम भी चुप नहीं बैठे हैं। हम किसान के बेटे के साथ हैं, अपने जाट भाइयों के साथ हैं और जातिगत, वैसे हमारी भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती है लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं उसमें हमें मजबूर होकर ये सब करना पड़ रहा है। सांसदों के निलंबन को लेकर मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कहा जिस तरीके से संसद के अंदर सांसदों को निलंबन किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। सरकार को बर्खास्त कर फिर से चुनाव किया जाए और इस तरह से जनता की आवाज उठाने वाले जनता के प्रतिनिधि को बर्खास्त करना निंदनीय है। 144 सांसदों का जो इन लोगों ने निलंबन किया है उसके विरोध में हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं। ये संवैधानिक दायरों की हत्या है, संवैधानिक पदों की हत्या है। जो हनन हुआ है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग क्योंकि जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम विधायक हैं, वो सांसद हैं। सांसद जो होते हैं वो अपनी आवाज़ रखने के लिए संसद भवन में जाते हैं और अपनी आवाज़ को आवाम की आवाज़ बनाकर रखते हैं। आवाम की आवाज़ ही नकारे खुदा होती है। अगर आप आवाम की आवाज़ को रोकेंगे और अंदर निलंबन करेंगे तो वो अपनी आवाज़ कैसे रख पाएंगे। तो हम लोग आज इसके विरोध में यहाँ पर आए हैं और हमने अपना ज्ञापन भेजा है DM साहब के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं ये संवैधानिक दायित्व का जो हनन हुआ है, जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये निंदनीय है। हम सब लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जी इसका संज्ञान लेंगे। लोकतंत्र में पहली बार एक लोकतांत्रिक घटना, 142 विधायक थे
केशव बेले सांसद उनको निलंबित किया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन दिया, प्रेषित किया उस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ओम प्रकाश राजभर ने टीएमसी सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति के मजाक बनाने की कृतियों की निंदा की है। कांग्रेस द्वारा यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर कहा, कांग्रेस से जनता का गठबंधन टूट गया है, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को निकाल दिया है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो वो प्रदेश को जोड़ने के लिए ही नहीं अपनी ताकत जोड़ने के लिए काम कर रहे। देखिए, संसद की गरिमा है, संसद बना है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष के लोग घबराए हुए बौखलाए हुए लोग हैं, वो जनता के जो मुद्दे हैं उनको चाहिए था कि सरकार के सामने, जब सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया कि एक देश एक राशन कार्ड, तो इनको वहाँ लड़ना चाहिए कि एक देश एक समान शिक्षा लागू होना चाहिए, बेरोजगारी देश में है, तकनीकी शिक्षा लागू कराने के लिए इनको लड़ना चाहिए, देश में गरीबों के इलाज के लिए फ्री इलाज के लिए लड़ना चाहिए। तो इन मुद्दों से भटक करके वो लोग जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, हम ऐसे बयानबाजी की निंदा करते हैं, ऐसा जिन लोगों ने किया है वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान की खिल्ली उड़ा रहे हैं ऐसे लोग। तो यूपी टूटा कहाँ है? हाँ, ये है कि उन लोगों से यूपी का संबंध टूट गया है, क्योंकि 17 हारे, उसके बाद आपने देखा 19 हारे, 22 हारे, तो उनका संबंध टूट गया है। इस नाते वो अपना संबंध जोड़ने के लिए उसी बहाने सड़क पर जा रहे हैं, और हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, तो उसका कोई असर 24 के चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, ईडी स्वतंत्र संस्था है और लालू जी इसके पहले भी जेल जा चुके हैं, सारे साक्ष्य सबूत इकट्ठा हुए, अपना जमानत पर आए हुए हैं, तो वो ईडी का काम है, ईडी अपना काम कर रही है। एक महिला का उसके ही घर में नहाते हुए नासिर अंजार मुनाजिर नाम के व्यक्ति ने अश्लील फोटो खींची और पिछले एक साल से महिला को ब्लैकमेल कर उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। महिला का कहना है कि इस दौरान आरोपियों ने उससे कई बार पैसे भी लिए हैं, पीड़िता की फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते महिला काफी परेशान है। शिकायत करने पर भी पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में शिकायती पत्र दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मेरी फोटो खींच के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ये चारों लोग। कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नासिर है, अंजार और मुनाजिर और हुसैन जहां। क्यों कर रहे हैं आपको ब्लैकमेल? मेरे फोटो खींच लिए थे। अच्छा। महिला कल्याण विभाग द्वारा महिला चिकित्सालय पर कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना गुप्ता रही। और अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश राठौर की। बच्चे का इलाज कराकर लौट रहे दंपत्ति की बाइक को कंटेनर ने मारी टक्कर। बाइक पर बैठी महिला की मौत हो गई, जबकि पति और बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार को कमरे में बंद कर चोरों ने की चोरी। लाखों के जेवर, पैसे और लाइसेंसी गन लेकर हुए फरार। चोरी का तो अभी घर वाले देख रहे हैं, वैसे सोना चांदी टूटा पड़ा है, केस भी गया है, और मेरी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो भी चली गई वहाँ से। सुबह 3 बजे करीबन नगला गंगाराम थाना पचोकरा के अंतर्गत कुलदीप उपाध्याय जी है, उनके घर में चोरी की सूचना मिली। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि करीबन उनके घर से 800 ग्राम सोना चांदी के आभूषण और करीबन 5 लाख का कैश और जो एक उनकी जो लाइसेंस वाली पिस्टल थी वो भी चोरी हुई थी, जो जल्दी बगल के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में बरामद हो गई। बाकी जो भी उनसे तहरीर लेके विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। अगली खबर देखिए तुफैल ताहा की। हमीरपुर में 1.5 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेलते वक्त लापता हो गई। पुलिस के खोजबीन के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं है। शराबियों पर बच्ची को अगवा करने का संदेह है। हर एंगल से बच्ची को तलाश किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से देखें पीयूष गुप्ता की यह खास खबर। पिरामिड फाइनेंस ग्रुप और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखीमपुर खीरी में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के प्रत्येक सर्किल के अंतर्गत आने वाले थाने,
स्कूल चौराहे और सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर जागरूकता और साइबर फ्रॉड से बचने के बारे में बताया गया। अभियान का शुभारंभ 19 दिसंबर से लखीमपुर खीरी के साइबर थाने से किया गया है। मितौली सर्किल के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक किया गया, जिसमें ATM, QR कोड, UPI से होने वाले फ्रॉड, बैंक के नाम से आने वाले फर्जी कॉल से होने वाले फ्रॉड, वीडियो कॉलिंग और चैटिंग के द्वारा होने वाले फ्रॉड के बारे में जानकारी दी गई। हसनगंज से देखिए लोकेंद्र सिंह लक्की की ये खास खबर। SDM ने लापरवाही बरतने पर एक लेखपाल को निलंबित करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है। लेखपाल अजय कुमार को नायब तहसीलदार पूर्णिमा तिवारी ने अवलोकन कर मामलों के निस्तारण की दी थी हिदायत। तो फलता की देखिए अगली खबर। हमीरपुर में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सांसदों के निलंबन की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दो सांसद हमारे बर्खास्त किए गए हैं, ये सब सरासर गलत है। ये तरीका ठीक नहीं, संविधान के खिलाफ है और इनको वापस लेना चाहिए और जबरदस्ती लेने। अगर ये इस तरीके से नहीं करते तो हमारी जमीन से लड़ाई ऊपर तक जाएगी और धरना प्रदर्शन बराबर जारी रहेगा। वीडियो साथ रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AM News Today।